रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी, जमीन नामांतरण के लिए घर पर ले रहा था रिश्वत, धार में पदस्थ है पटवारी, लोकायुक्त तो टीम को मिली थी मामले में शिकायत। यशवंत क्लब की लड़ाई पहुंची थाने, सचिव ने लगाया चेयरमैन व अन्य पर गड़बड़ी का आरोप, चेयरमैन ने नकारा, थाने पर दोनों पक्षों में हुई कहासुनी। 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने की तैयारियां पूरी, 36 केंद्र किए संवेदनशील घोषित। आधार कार्ड वितरण में लापरवाही, डाक विभाग वितरण में नहीं ले रहा रुचि, कार्ड खा रहे हैं धूल। मंगलवार शाम 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस ने चलाया गुंडा पकड़ो अभियान, 1 दर्जन से ज्यादा गुंडे गिरफ्तार, सट्टा खेलते आरोपी भी आए गिरफ्त में। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत, मासूम सहित 10वीं के एक छात्र की गई जान, वहीं एक अन्य दुर्घटना में 108 एम्बुलेंस को पजेरो ने मारी टक्कर, बड़ा हादसा होने से बचा। IIST मैनेजमेंट और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया, तरह तरह की फीस और प्लेसमेंट के नाम पर अवैध वसूली के साथ ही धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आरोप विद्यार्थियों ने प्रबंधन पर लगाए हैं। हालात यह बने कि परिसर में पुलिस को पहुंचकर स्थिति संभालना पड़ी। नए रेल बजट में घोषित इंदौर चंडीगढ़ ट्रेन अप्रैल से पटरी पर दौड़ सकती है, नई ट्रेन को चलाने को लेकर रेलवे के समक्ष कोई खास बाधा नहीं है, ट्रेन दौड़ाने के लिए रेलवे के पास कोच उपलब्ध है, ट्रेन को इंदौर यशवंतपुरम बैंगलोर के कोच से चलाया जाएगा। मलारगंज स्थित सेठ हुकुमचंद पॉली क्लिनिक में चल रहे गोरख धंधे की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम बुधवार को अस्पताल पहुंची, टीम ने पहले दिन जांच बिंदुओं की जानकारी देते हुए 15 दिनों में जांच पूरी होने की बात कही है, वहीं जांच अधिकारियों ने पहले दिन तमाम फाइलों को देखा और कर्मचारियों से चर्चा की। महेश गार्ड लाइन स्थित परेड ग्राउंड में बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में 64 प्लाटून के कमांडरों ने आकर्षक परेड की, इस अवसर पर कमांडरों को शपथ भी दिलाई गई। जिंदगी के सांझ में 2 बुजुर्गों के जीवन की लौ बुझ गई, दोनों ही पारिवारिक कलह के शिकार थे, एक बुजुर्ग जहां इलाज नहीं कराने की वजह से अपने बेटे से नाराज था तो वहीं दूसरा संपत्ति को लेकर पारिवारिक कलह से परेशान था, इन्हीं कारणों के चलते जहां एक ने खुद को जिंदा जला लिया तो दूसरे का शव नाले में मिला। पड़ोसी के घर जाने का कहकर निकली एक 14 वर्षीय छात्रा शुक्रवार से लापता है, उसकी गुमशुदगी की शिकायत संयोगितागंज थाने में की गई। हजरत सैयद नाहरशाह वली के 64वें उर्स का शुभारंभ बुधवार को हुआ, इस मौके पर महापौर और शहर काजी ने दरगाह पर चादर पेश करने के साथ 5 दिनी भव्य मेले का शुभारंभ किया। चंदनगर पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाने वाले शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, गिरोह का मुख्य सरगना और उसके 4 साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन दिनों शहर में पुलिस खासी मुस्तैद नजर आ रही है, यही वजह है कि किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है, ऐसा ही एक मामला बीती रात सामने आया। दरअसल सड़क पर देर रात अकेली घूम रही युवती को पुलिस ने पकड़कर थाने भिजवाया, युवती मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है,